हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। सर्दियों की मीठी मीठी धूप और गर्मा गर्म चाय तो सबको पसंद है, पर विंटर्स की अपनी कुछ चैलेंजेस भी होती हैं जो हम होम मेकर्स को हर साल फेस करना पड़ता है, जिनमें से सबसे बड़ी चैलेंज है अपने विंटर वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखना, क्योंकि सर्दी के दौरान हम बहुत फ्लफी कपड़े पहनते हैं और साथ ही हमें लेयरिंग भी करनी पड़ती है, वार्मर स्वेटर्स फिर जैकेट। विंटर्स में तो हर हफ्ते मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है और हमारे कपड़े बढ़ते ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि विंटर्स के कपड़ों को कैसे वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करें कि ये कम से कम जगह भी लें और ज़रूरत पड़ने पे ये हमें दिखाई भी पड़ते रहें। विंटर्स के कपड़े हम कई सालों तक यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी केयर भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। कोट को हैंग करने के लिए नॉर्मल हैंगर की जगह इस तरह का वाइड हैंगर यूज करना चाहिए, जिससे हमारे कोट की शेप बनी रहती है, ये डी शेप नहीं होते। कई बार नॉर्मल हैंगर यूज करने से जो साइड का शोल्डर है उसकी शेप बिगड़ जाती है, इसलिए हमेशा वाइड शोल्डर हैंगर ही यूज करना चाहिए। इस तरह के फ्लफी जैकेट को जब हम हैंग करते हैं तो इसकी स्लीव्स बहुत आगे तक आ जाती है, जिससे वार्डरोब काफी भरा भरा सा लगता है। तो इसे हैंग करने से पहले ये टिप्स आजमा कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से इसकी दोनों स्लिप्स को उल्टा करके अंदर के साइड रख लेंगे, कुछ इस तरह से वीडियो में दिखाए तरीके से आप कर लें। दोनों स्लिप्स को मैंने अंदर के साइड कर दिया। जैकेट को नॉर्मली हैंग कर देंगे तो इसके अंदर हैंगर को इंसर्ट कर देंगे और जिप लगाकर इसे हैंग कर देंगे। इस तरह से हैंग करने से साइड में बहुत कम स्पेस लेते हैं और ये काफ़ी नीट लुक देता है। तो हमेशा अपने वुलन्स को मैं इसी तरह से हैंग करती हूँ, इससे वार्डरोब में काफ़ी जगह बचती है। सेम प्रोसेस से मैं इस उलन रग को भी हैंग करूंगी, तो इसके लिए मैं इसके स्लिप्स को उल्टा कर दूंगी। तो कुछ इस तरह से इसके दोनों स्लिप्स को उल्टा करके रख लीजिए। दोनों स्लिप्स मैंने उल्टा कर दिए हैं और जैसे नॉर्मली हैंग करते हैं कपड़े, वैसे ही इसे हैंग कर देंगे। और इस तरह से हैंग करने से जब स्लिप्स अंदर चली जाती है तो काफ़ी नीट लुक आता है वार्डरोब में। आप इस तरह से करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे ये हैंगर से स्लिप ना करे। फ्रंट साइड से बंद स्वेटर को कैसे हैंग करेंगे आइए देखते हैं। तो इसकी जो स्लिप्स है उसको उठाकर नेक के तरफ इंसर्ट कर दीजिए, दोनों स्लिप्स को। बस बहुत ही आसान है। और इस तरह के कार्डिगन्स को भी मैं उल्टा करके फोल्ड करती हूँ। तो इन दोनों स्लिप्स को अंदर कर लिया है और हैंगर लगा देंगे और इसके बटन लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। बट इस तरह से आप अगर हैंग करके देखेंगे कपड़े तो आपके वार्डरोब में बहुत अच्छा नीट लुक आएगा और कपड़े बहुत अच्छे से दिखाई भी पड़ेंगे। इस स्वेटर को हैंग करने के टाइम मैंने देखा कि इसकी एक बटन निकल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे साथ के साथ सिल लिया जाए। तो जब भी कोई काम अगर ऐसा छोटा मोटा दिखता है तो उसे बाद के लिए ना छोड़कर तुरंत कर लेना चाहिए। अब जब मैं इसे सिल लूँगी तो कभी भी इसे पहन सकती हूँ, तो मैंने फटाफट इसकी सिलाई भी कर ली। तो उलन्स तो हमेशा केयर मांगते हैं, हम जितना ही केयर करेंगे हम उतने दिन तक इनका यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें साथ के साथ करके ख़त्म कर देनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो इस तरह से मैंने छोटा सा एफर्ट देकर इसे तुरंत का तुरंत सिल लिया और ये बटन लग भी गया इसके, तो मैं इसे यूज कर पाऊंगी। अब मैं कपड़ों को हैंग कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से स्लिप्स को अंदर कर देने से वार्डरोब में सामने काफ़ी जगह दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस तरह से काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गया है और काफ़ी नीट लुक आ रहा है। अगर इसकी स्लिप्स बाहर होती तो बाहर काफ़ी फैला फैला लगता, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता ये। इस तरह से अगर इसकी स्लिप्स को बाहर करके हैंग करेंगे तो अलमीरा में काफ़ी जगह लेगा और वार्डरोब हमेशा भरा भरा सा फील होगा। और जब हम स्लिप्स को अंदर करके हैंग करते हैं तो काफ़ी स्लीक लुक आता है। तो एक एक करके सारे कपड़े को हैंग कर देंगे और इसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और इस तरह का जो स्वेटर था उसे इस तरह से हैंग कर दिया है, इसकी भी स्लिप्स ऊपर कर दी है, तो किसी भी कपड़े का स्लिप्स आगे की तरफ नहीं लटक रहा है, तो अलमीरा में काफ़ी अच्छा लग रहा है और सारे कपड़े विजिबल हो रहे हैं। और अगर
इसे इस तरह से हैंग करते तो कैसा दिखता, आप दोनों में डिफरेंसेस खुद देख सकते हैं। इस तरह से हैंग करने से वार्डरोब काफ़ी भरे भरे दिखते हैं और स्लीव्स को फोल्ड करके टांगेंगे तो काफ़ी स्लिक लुक आता है। मैंने सभी लॉन्ग ड्रेसेस को एक तरफ हैंग किया है और शॉर्ट को एक तरफ, तो जिससे यहाँ पे काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गया है। तो आइए देखते हैं इस स्पेस को मैंने कैसे यूटिलाइज किया है। इस तरह के जो भी स्वेटर्स होते हैं जो हैंड नीडेड होते हैं उसे मैं कभी हैंग कर नहीं रखती, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, तो इसे हमेशा रोल करके फोल्ड कर देती हूँ और इसे इस तरह से रखती हूँ। तो इसे फोल्ड करने में कोई ऐसी मेथड नहीं लगानी पड़ती, कैसे भी आप फोल्ड कर लीजिए, बस इसे हैंगर में हैंग नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैं रोल कर दूंगी इसे, कुछ इस तरह से एक बंडल की तरह बना देंगे। मैं अपने सारे सॉफ्ट स्वेटर्स को इसी तरह से रोल करके फोल्ड करती हूँ, इसे हैंगर में हैंग नहीं करती। इन स्वेटर्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स से ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, जिसे पुराने कैलेंडर से कवर कर दिया है, काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपके वार्डरोब के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, जितना स्पेस होता है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो मैं जनरली इसे घर में ही बनाना पसंद करती हूँ और इस तरह के स्वेटर्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो इसे मैं इसी में ऑर्गेनाइज़ करना पसंद करती हूँ। तो एक एक करके सारे स्वेटर्स को मैं इसमें स्टोर कर दूँगी, कुछ इस तरह से। और ये स्वेटर सॉफ्ट होते हैं तो इजली इसमें कई सारे स्वेटर्स आ जाते हैं, तो इसे मैं प्रेस करके अच्छे से रख दूंगी। और इस तरह से रखने से इनकी शेप ख़राब नहीं होती, तो मैं इसी में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इन स्वेटर्स को। इस तरह से मैंने अपने सारे स्वेटर्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और इधर एक स्पेस क्रिएट हो गया है तो उसे भी मैं खाली नहीं जाने दूंगी। इसमें मैं अपने दो लॉन्ग कुर्तीज़ हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हैं, उसे भी इसी में अरेंज कर दूंगी। तो इस तरह से इस स्पेस में मैंने अपने दोनों कुर्तीज़ को रख दिया है। तो ये बॉक्स काफ़ी यूज़फुल बन गया है हमारे लिए, इस तरह से कितने सारे स्वेटर्स और कुर्ते जिसमें आ गए हैं। अब इस बॉक्स को इस खाली स्पेस में रख देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से यहाँ फिट हो गया है और इसमें से मैं आराम से कपड़े निकाल भी सकती हूँ, कुछ इस तरह से, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसमें रखना भी काफ़ी आसान है, कुछ इस तरह से हम इसे रख भी सकते हैं। इस बॉक्स के पीछे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया है तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे एक अपनी लॉन्ग कुर्ती रख दूंगी, कुछ इस तरह से, तो वो जगह भी यूज़ हो गया है। और ये बॉक्स एक ड्रॉर की तरह यूज़ हो रहा है, काफ़ी कन्वीनियंट है इसे यूज करना। अभी भी लेफ्ट साइड में ऊपर स्पेस बाकी है तो मैंने यहाँ पे एक शॉल को हैंग कर दिया है। ये भी ऑर्गेनाइज़र होममेड है, इसे मैंने घर पे बनाया हुआ है कार्डबोर्ड बॉक्स से, और इसमें एक हैंडल है और इसमें मैं अपने लैगिंग स्टोर करती हूँ। समर्स के सारे लैगिंग मैं इसी में स्टोर करती हूँ, अभी विंटर सीजन के सारे लैगिंग मैंने इसमें रख दिए हैं, इसमें से लेना काफ़ी आसान हो जाता है। और इस बॉक्स में मैं अपने विंटर के सारे कुर्तीज रखूँगी जिसमें दिखाई पड़ते रहते हैं सामने से, तो लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जितने सूट सेट हैं जिसके साथ मैचिंग के प्लाजो और दुपट्टा है, उनको सब एक साथ करके रखूँगी इस तरह से, और कुछ अलग से मिक्स मैच वाले कुर्तियाँ हैं उन्हें भी इसी में सेट कर दूँगी। तो हमेशा अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे तो काफ़ी ईजिली आपको मिल जाएंगे और वार्डरोब में मेस क्रिएट नहीं होगा। तो आप हमेशा एक ऑर्गेनाइज़र में ही कपड़ों को स्टोर करें, चाहे वो होममेड हो या मार्केट से परचेज करके लाएं, पर इन्हें एक स्पेस ज़रूर दें। तो ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और इन ऑर्गेनाइज़र से कपड़े निकालना भी काफ़ी आसान है। जिन कपड़ों को आप निकालना चाहते हैं उन्हें आराम से पुल कर लीजिए, ईजिली बाहर आ जाते हैं। और इनका फ्रंट साइड ओपन होने की वजह से हमें ये विजिबल भी होते रहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी पसंद आता है। इसी तरह का एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाकर रखा हुआ है जिसमें मैं समर्स में प्लाजो रखती थी, इसका लेबल मैंने नहीं हटाया है और इसी के अंदर विंटर्स में मैं अपने थोड़े से शॉल और कुछ पोचू है, कुछ इस तरह के सॉफ्ट वाले जो शॉल होते हैं वो मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो इस तरह से रखने से मुझे इजीली मिल जाता है, तो मैंने इसी में रख दिया है इसे, और जब समर सीज़न आएगा तो फिर से मैं इसमें प्लाजो रख दूंगी। तो इस तरह से मैं सारे कपड़ों को किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र में ही रखना पसंद करती हूँ, इस तरह से वार्डरोब हमेशा नीट एंड क्लीन बने रहते हैं और इन्हें लेना भी काफ़ी आसान हो जाता है। विंटर में डेली यूज होने वाले कपड़े मैं अलग वार्डरोब में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने डेली यूज वाले कुछ कुर्ती, नाइट सूट, स्वेटशर्ट्स हैं, ये मेरे कुछ लोवर्स हैं, और इस बास्केट में मैं अपने वार्मर्स रखती हूँ।
एक स्टॉल को हैंडी रखा है, ज़रूरत पड़ने पे काम आता है, और दो नए सॉक्स हैं जिसे मैंने यहाँ रख दिया है इस तरह से हैंग करके, ज़रूरत पड़ने पे मैं यहाँ से इजीली ले पाऊँगी। और इस वार्डरोब में मैंने हैंगिंग ऑप्शन नहीं रखे हैं, मैं डेली के कपड़े अलग रखना ही पसंद करती हूँ, और हैंगिंग के लिए मैंने दूसरे वार्डरोब को रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं डेली के कपड़े यहाँ रख लेती हूँ, और इस तरह का जो बास्केट बनाया था सूट वाला, उसे मैं इसमें रख दूँगी नीचे वाले साइड में। तो जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होगा इस तरह से, तो मैं यहाँ से लेकर तैयार हो सकती हूँ। और ये बास्केट बिल्कुल पूरी तरह से फिट आता है, इसमें पीछे कोई भी जगह नहीं बचते। तो इस तरह से मैं इसे पुल करके भी निकाल लेती हूँ, तो बहुत आसानी से यहाँ कपड़े मैं ले पाती हूँ इस तरह से रखने से। और सेल्फ़ पे मैंने पुराने कैलेंडर को बिछा दिया है, और साथ में डबल साइड टेप से सिक्योर भी कर दिया है, ताकि किसी भी बास्केट को पुल करें तो ये साथ में ना खिंच जाए। और ये जो लैगिंग का बास्केट था उसे भी मैं यहाँ पे रख दूँगी, और इसे हम आराम से पुल करके जो भी लेना होगा ले पाते हैं। और साथ ही जिसमें मैंने श्रग रखे थे, इसमें प्लाजो लिखा है बट इसके अंदर श्रग और सॉल्स रखे हुए हैं, तो इसे भी मैं यहाँ से इजीली ले लूँगी। अगर इन दोनों बास्केट्स को मैं पीछे रखूँ तो आगे काफ़ी स्पेस बच जाता है, बट जब भी मैं कोई आगे सामान रखूँगी तो बास्केट लेने से पहले मुझे उस सामान को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं इन दोनों बास्केट को फ्रंट साइड में ही रखूँगी। और ऐसे रखने से पीछे काफ़ी जगह क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने कुछ हैंड पर्स हैं जो इसे रख दूँगी कुछ इस तरह से। इस जगह का भी मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है, और एक इस तरह का गैप बन गया। तो यहाँ पे मैं एक, मेरे पास पेपर बैग था नट्स के थे, तो इसे मैंने रखा हुआ था। ये बिल्कुल इजीली यहाँ पे फिट हो रहा है इस जगह पे, तो इसे रख कर और इसके अंदर भी मैंने एक स्लिंग बैग को रख दिया है। तो इस तरह से बिल्कुल भी जगह बर्बाद नहीं हो रहे हैं, हर एक जगह का इस्तेमाल किया है मैंने। और ये मेरे कुछ पाउच हैं जो कभी ट्रैवलिंग में काम आते हैं, उसे भी मैं इस स्पेस में रख दूंगी। इस तरह से मैंने छोटे से छोटे स्पेस को भी यूज किया है। अपर कैबिनेट में फ्रंट साइड में जो स्पेस बचा है उसे मैं ऐसे ही खाली छोड़ दूंगी, यहाँ पे कभी कपड़े धुल कर आएंगे तो उसे रखने में काम आ जाएगा। और एक छोटा सा पाउच है जो काफ़ी प्यारा था, उसे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। इसके जस्ट नीचे दो ड्रॉर्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जिनमें पहला ड्रॉर है इसे मैंने वुलन्स के लिए डेडिकेट किया है। ये काफ़ी बिग साइज़ का ड्रॉर है, इसमें काफ़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक पेपर बैग में मैंने अपने स्टॉल को अरेंज किया है, इस तरह से सारे जीन्स को मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स के ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दिया है। और ये मेरे हुडीज़ हैं जो रेगुलर यूज़ में काम आते हैं। और ये मेरे कुछ ऐसे स्वेटर्स हैं जिन्हें मैं दो तीन दिनों तक पहन के वॉश करती हूँ, तो यूज किए हुए स्वेटर्स मैं यहाँ रख देती हूँ। इस तरह से वुलन्स को ऑर्गेनाइज करने से वार्डरोब मैसी नहीं होता, मुझे इजीली मिल जाता है। और इस स्पेस में कपड़े रीअरेंज भी बहुत इजीली हो जाते हैं, जब भी कपड़े धुल कर आते हैं मैं इस तरह से यहाँ पे अरेंज कर पाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। और सबसे बड़ा मिस्टेक हम यह करते हैं कि विंटर क्लोथ्स के साथ समर्स के क्लोथ्स भी हैंग कर देते हैं, यह सोचकर कि हम कभी ट्रैवलिंग में जाएंगे तब यूज करेंगे या वेदर चेंज होगा तब पहनेंगे। पर आने वाले कुछ दिनों तक तो कोई वेदर चेंज नहीं होगा, और ट्रैवलिंग में भी हम इन कपड़ों को नहीं ले जाएंगे विंटर्स में। अगर आप विंटर्स में भी ऐसी जगह ट्रैवलिंग करते हैं जहां समर के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसके लिए एक अलग जगह बनाएं जहां पे इन्हें रखें और वहां से ही इसे यूज करें, वरना आपके वार्डरोब में क्लटर क्रिएट करेंगे ये। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से मैं विंटर में अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको कुछ न कुछ टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ।